हे एवरीवन, आज मैं अपने चैनल फूड अपडेट्स पर बनाने वाली हूँ चावल की खीर। खीर एक बहुत ही पॉपुलर डेजर्ट है जो हर घर में मोस्टली फेस्टिवल के टाइम पर बनाया जाता है। खीर का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना, तो चलिए बनाते हैं चावल की खीर। चावल की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए चावल 1/4 कप, दूध 4 कप या 1 लीटर, चीनी 1/2 कप, हरी इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून, ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने लिया है काजू 10 से 12, बादाम 10 से 12। तो सबसे पहले हमें एक नॉनस्टिक बर्तन में दूध डालकर इसे एक उबाल आने तक मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लेना है। खीर बनाने के लिए नॉनस्टिक का ही बर्तन ले ताकि दूध और चावल बर्तन के बॉटम पे चिपके नहीं। मैंने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है। एक बॉईल आने पर फ्लेम कम कर लेंगे और 1/4 कप चावल डालेंगे। आप खीर बनाने के लिए किसी भी छोटे दाने के चावल का यूज कर सकते हैं। चावल की खीर बनाने में चावल को पकने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं आपसे एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ जिससे चावल जल्दी गल जाएंगे। तो जभी भी आप चावल की खीर बनाने का सोचे तो ये ट्रिक जरूर फॉलो करें। चावल को अच्छे से वॉश कर 30 मिनट्स के लिए पानी में सोक कर रख लेंगे और फिर इसे यूज करेंगे। खीर जल्दी बनेगी। चावल और दूध को लो फ्लेम पर तब तक पकाएं जब तक चावल गल ना जाए। हमें 20 से 25 मिनट ओकेशनली स्टर करते हुए चावल और दूध को चलाते हुए पकाना है। 20 से 25 मिनट के बाद आप देखेंगे कि चावल सॉफ्ट हो गया है। अच्छी गाढ़ी खीर बनाने के लिए बीच बीच में चावल को दबाते हुए चलाना बहुत जरूरी है, तभी खीर क्रीमी और थिक बनेगी। आप देख सकते हैं ये थोड़ी थिक हो गई है। अब हमें डालना है इलायची पाउडर जो मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। साथ ही साथ एक पैन में 10 से 12 काजू और 10 से 12 बादाम को लो फ्लेम पर आधे से 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर इसे चॉप कर रख लेंगे। खीर थोड़ी गाढ़ी होने पर 1/2 कप चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। इसे लगातार तब तक चलाएं जब तक चीनी पूरी तरह ना घुल जाए। अब इसमें रोस्टेड चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। आप इसमें अपने चॉइस के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, बट याद रखें, अगर आप इसमें किशमिश ऐड कर रहे हैं तो इसे ज्यादा दिन के लिए आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि किशमिश डालने से खीर थोड़ी खट्टी हो जाती है। और ये लीजिए, बन गई टेस्टी चावल की खीर। आप इसे ठंडा या गर्मा गर्म सर्व करें और एंजॉय करें। मैं खीर ठंडा खाना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, ठंडी खीर का स्वाद कुछ अलग ही आता है। अगर आपको मेरी ये चावल की खीर की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल फूड अपडेट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, टेक केयर।